इसराइल की मशरक वस्ती की जंग का दायरा फैलाने की कोशिश। इसराइली फौज का हिजबुल्ला के सरबरा हसन नसरुल्ला को शहीद करने का दावा। लबनान में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर हमले में हसन नसरुल्ला की बेटी जैनब और अहम कमांडर समेत 8 अफराद शहीद हो गए, 100 से ज्यादा जख्मी। हसन नसरुल्ला की शहादत की खबरों के बाद ईरान में हाई अलर्ट। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई महफूज मुकाम पर मुंतकिल। तर्जुमान अली लाराजानी ने कहा है कि सूरतेहाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। हिजबुल्ला के पास कायदाना सलाहियत रखने वाले बहुत सारे कमांडर और रहनुमा मौजूद हैं। हिजबुल्ला सरबरा की शहादत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक चलाने के लिए तैयार है। शुमाली बलूचिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के चार्टर्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 6 अफराद जहां बहक 8 जख्मी हो गए। जराए के मुताबिक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और अमले समेत 14 अफराद सवार थे। लाशें और जख्मियां बजाहिर बजरिया हेलीकॉप्टर CMH थल मुंतकिल कर दिए गए। पाक फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। मायूसी फैलाने की कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबका गैर मुतजलजल एतमाद होना चाहिए। PTI का एहतजाज फैजाबाद समेत मुख्तलिफ रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों से 8 अफराद गिरफ्तार। पिशावर से अलीमी गंडापुर की क्यादत में काफिला अटक पुल के पाल झड़पे। पुलिस की शैलिंग कारकुनों की जान से पथराव। अली अमीन गंडापुर मुसल्ला जथों के साथ रावलपिंडी आ रहे हैं। क्या कोई सियासी जमात असलहे के साथ जलसा करती है? वजीर इत्तलात अजमा बखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूरत हाल खराब हुई तो अली अमीन गंडापुर जिम्मेदार होंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाहौर की तरह रावलपिंडी का जलसा भी रावलपिंडी के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पुरअम एहतजाज हमारा हक है, हर हाल में लियाकत बाग में पहुंचेंगे। शौकत बसरा कहते हैं कि PTI को फसादी कहने वाले खुद बड़े चोर और फसादी हैं। पुरअम एहतजाज को रोकने की कोशिश में हालात खराब हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। FVR का IRIS सिस्टम बैठ गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में शहरियों को मुश्किलात का सामना। टैक्स फाइलर्स का रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा। कार साल हादसे के वक्त मुलजिमा नताशा नशे में धुत होकर गफलत से गाड़ी चला रही थी। खून और यूरिन के टेस्ट में भी मेटाफेटामाइन के इस्तेमाल की तस्दीक हो गई। तफ्तीशी अफसर ने मुनशियात मुकदमे का हतमी चालान जमा करा दिया।